Hi, I'm Bilal. And I'm Maktoum Mehmood Reza. Welcome you all on today's lecture. We begin our event with the holy name of Allah. For this, we would request Mr. Hafiz Tahir to please come and recite a few verses of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما मौजूद मेहमान ने ग्रामी और अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की इस तकरीब में मौजूद मेहमान जनाब जैद हामिद साहब और बिलाल कुतुब साहब और उनके साथ जो और अहबाब तशरीफ लाए उन सबको खुश आमदीद कहता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे बच्चों के लिए निकाला और उनकी तालीम और तदरीस के सिलसिले की इस अहम कड़ी में हमारा हाथ बटाने के लिए यहां तशरीफ लाए। पैक एक अकाउंटेंसी कॉलेज है जिसमें बच्चे हायर अकाउंटेंसी की तालीम हासिल करते हैं, लेकिन पैक इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि ये साल हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साल हैं। पैक को इसलिए सिर्फ एक ट्यूशन प्रोवाइडर का रोल प्ले नहीं करना बल्कि उसे अपने बच्चों के लिए एक ऐसे साजगार माहौल की भी जरूरत है जहां उनकी शख्सियत की तरबियत हो सके और उनकी शख्सियत मजीद तरक्की के मदारिफ तय कर सके। पैक में होने वाली तमाम को करिकुलर एक्टिविटीज इसी नुक्ता नजर से बहुत ध्यान से प्लान की जाती हैं और उनको पूरी कोशिश करके एक अच्छे तरीके से उनका एहतमाम किया जाता है। आज की ये नशिस्त और इसके बाद की तकरीबात भी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। मौजूद मेहमानान गिरामी, हम पैक में अपने बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए खेलों का एहतमाम भी करते हैं, हम उनके लिए अच्छे तकरीरी मुकाबलों का एहतमाम भी करते हैं, क्विज कॉम्पिटिशन भी करवाते हैं ताकि कुछ उनकी जनरल नॉलेज में इजाफा हो और आप जैसे साहिब इल्म हजरात को भी हम मदऊ करते हैं
कि वो आए और अपने ख्यालात और अपने तजर्बात हमारे बच्चों के साथ शेयर करें। हम उम्मीद रखते हैं कि आज की इस महफिल में भी बच्चे जिस जोश व खरोश से आए हैं कि इसी तरह आपकी अफकार से वो मुस्तफीद होंगे और इनके अंदर एक जज्बा पैदा होगा आगे बढ़ने का, मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का और पाकिस्तान को एक ताकतवर रिस्पेक्टेबल मुल्क के तौर पे दुनिया में दोबारा कायम करने का। मैं आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने इन तालिब इल्मों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो सुबह से बड़ी बेताबी से इस तकरीब का इंतजार कर रहे थे और वक्त मुकर्रा पर सबके सब यहां आकर बहुत डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे ये बच्चे बड़े गौर से आपकी बातें सुनेंगे और अगर आपकी बातें उनके दिल को मस्त कर गई तो वो यकीनन उन पर अमल भी करेंगे और इस सारे अरसे में आप देखेंगे कि ये नहायत डिसिप्लिन के साथ बैठे रहेंगे और हरगिज इस तकरीब में कोई बदमजगी नहीं होगी। मैं अपने इन तालिब इल्मों का फिर एक दफा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और खास तौर पर तमाम मौजूद मेहमानों ने ग्रामी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस तकरीब में आज आए हैं और रौनक बख्शी है और हमारे बच्चों को एनकरेजमेंट इससे मिली है। बहुत शुक्रिया। मैं थैंक यू सर। इन टुडेज वर्ल्ड व्हेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द फास्टेस्ट मीडियम वी सी अ लॉट ऑफ व्यूज एंड ओपिनियंस बीइंग प्रेजेंटेड बाय डिफरेंट पीपल। देयर आर फ्यू हुम यू लाइक टू लिसन एंड फॉलो। अमंगस्ट देम इज वन मैन हु फॉलोज टीचर्स एंड प्रीच इस्लाम इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस। वी वुड रिक्वेस्ट The ever shining Mr. Bilal Qutb to please come and speak on the topic rich education. दो बातें इससे पहले कि मैं मौजू पर बात करूं। पहली बात कि मेरा जब से मैंने कोई संभाली है मैं एक तदरीस के अदारे से नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से मंसूब हूं और मैंने अपनी पूरी तालीमी जिंदगी में और वहां से जब से मैं पढ़ाने में मंसूब हूं मैंने वहां पर कभी भी किसी मजहबी स्कॉलर को उसका गेट पार करते नहीं देखा। एक दफा वहां पे हमने एक रिलीजियस स्कॉलर को बुलाया जो कि रिलीजियस स्कॉलर भी थे और क्लीन शेफ भी थे, नाम भी देता। उसके बाद मेरे पे बैन लग गया कि व्हाई नो एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट यू। सो मेरे ख्याल में ये जो एफर्ट्स होते हैं इन इंस्टीट्यूशंस के जहां पे कि आपका एक्सपोजर होता है उन लोगों के साथ जो बाकी जिनका कहना जो है वो कुछ मैटर करता है, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और ये मैं बात जो है ये बिल्कुल भी आपको सिर्फ तमही के तौर पे नहीं कह रहा, ये मैं अपने दिल की गहराइयों से कह रहा हूं क्योंकि मुझे जब मैं यहां जैद साहब के साथ बैठा था तो मुझे एक हदीस याद आई। हदीस है और ये गौर कीजिएगा कि किस कदर ज्यादा हमारे इस वक्त पे हम लोगों पे उतरती है और हमें इसी तरह के लोग जो हैं वो किस कदर पसंद होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो वक्त आखिर के उलमा होंगे उनकी जुबान से शहद की तरह मीठी बातें जो हैं वो निकलेंगी और ये लोग वो होंगे जो दीन से अपनी दुनिया को कमाएंगे। और गौर कीजिए कि आज भी हमें वही उलमा अच्छे लगते हैं जो डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, जो कहते हैं कि आए मिलके बैठें, आए बात करें और सारे लोग ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक, कोई नुकता नजर नहीं रखेंगे लेकिन वो आपकी एक ऐसी सीनी गुफ्तगू करेंगे कि आप उसमें महफ हो जाएंगे। जो मामला इल्म का है गौर कीजिए कदीन हजरात के कुरान ने दो जगह पर बड़ी खूबसूरत बात की। खुदा जो है वो किसी को भी तंगी नहीं करता बहुत सख्ती के लहजे से, लेकिन वो लोग जो पढ़ते नहीं है, सोचते नहीं है, समझते नहीं है, फिक्र नहीं करते
इनको खुदा ताला ने अंधे, बहरे और बैल करार दिया। ये लोग जो है ये सोचते और समझते नहीं है। फिर जो दर्जात खुदा ताला ने कायम किए लोगों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, वो इनके हवाले से कायम किए। हर इल्म वाले पर एक इल्म वाला है। तो मैं अक्सर ये सोचा करता था कि ऐसा क्यों मुमकिन है, क्यों खुदा ताला ने इल्म को इतनी ज्यादा फजीलत दी, क्या जरूरी क्या है। अगर जो लोग नहीं भी इल्म हासिल करते वो भी तो इस दुनिया में जिंदगी गुजार ही सकते, बल्कि शायद बेहतर ही जिंदगी गुजारते हैं। अब एक छोटा सा इस बात को जरा इस मौजू से रिलेट करके देखिए कि एक जमाना था जो कि आलम अरवा का जमाना है। इसमें हम खुदा के पास बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, खुदा से बातें कर रहे हैं, और खुदा ताला ने तमाम चीजों से पूछा कि तुम चाहोगे कि मुझे शनाख्त करो। तमाम चीजों ने कहा कि हम आपको शनाख्त नहीं करना चाहते, थैंक यू वेरी मच, लेकिन नो थैंक यू। अब हजरत इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है, अशरफुल मखलूक इसी वजह से बना, उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उसने खुदा से अहद किया कि अल्लाह मैं तुझे शनाख्त करूंगा। ये वो लम्हा है जिससे कि खुदा ने कहा कि तुम यकीनन खसारे में हो। और यहां पे गौर कीजिए कि एक तफसीर में इब्ने कसीर बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि इंसान हमेशा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है। तब भी इंसान ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया कि मैं ये काम कर सकता हूं। और खुदा ने, क्योंकि खुदा इंसान को जानता था, खुदा ने इस पे एक हदीस, हदीस कुदसी है, खुदा ने कहा कि मैंने अपने नसीब में जुल्म को हराम लिखा, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम जो है वो उठा लिया। अब वो जो जमाना था और ये जो जमाना है, इस दो जमानों में मेरे ख्याल में सिर्फ एक फर्क है। जब हम खुदा के सामने बैठे थे और खुदा से बातें कर रहे थे, उस वक्त ओवर एस्टिमेट करना बड़ा आसान था खुदा को, क्योंकि खुदा हमारे सामने था, हम खुदा को पहचान रहे थे। अब खुदा ने जब इस दुनिया में हमें भेजा तो हमारे में से वो इंटीग्रेटेड सर्किट का एक आईसी जो है खुदा ने निकाल लिया, जो कि उस मेमोरी का था जिसमें वो मेमोरी थी जब हम खुदा के सामने मौजूद थे। उस इंटीग्रेटेड सर्किट की रिप्लेसमेंट में खुदा ने जो हमें चीज दी वो है इल्म। अब हमने इस जिंदगी में, ये जो जिंदगी है जिसको कि हम जिंदगी कह रहे हैं, और अहदीस में कहती है कि बुनियादी तौर पर ये मौत है, ये जो जिंदगी है, ये जो टाइम पीरियड है, इसमें जो टूल खुदा ताला ने हमें दिया वापसी के उस सफर का, उस वक्त तक वापस जाने का जिस वक्त हमने खुदा की शनाख्त को का बीड़ा उठाया था, इसका टूल खुदा ने हमें इल्म दिया। अब ये जो वक्त है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, हम इसको जिंदगी तसव्वुर करते हैं।